नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन पिंडदान के बारे में। भारत समेत पूरे विश्व में पिछले दो सालों से कोरोना का साया था, जिसके कारण पिंडदान की पूरी प्रक्रिया रुकी हुई थी। ऐसे में 10 सितंबर से पिंडदान की शुरुआत शुरू हो गई है और यह 26 सितंबर तक चलने वाली है। ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की सुविधाएं की बात कही जा रही है, जिससे कि पिंडदान करने आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जब आप गया रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो यहाँ आपको जिला सूचना विभाग का काउंटर मिलेगा, जो कि आपको मेले से संबंधित तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया करवाएगी। यानी कि कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाने की किस तरह की व्यवस्था है, इन तरह की तमाम सुविधाओं के बारे में आपको रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही जानकारियां मिलने लगेगी। लेकिन बहुत से ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो कि पिंडदान के लिए गया जी नहीं आ सकते हैं। ऐसे में वे अपने घर से ही पिंडदान कर सकते हैं। इसको लेकर बिहार सरकार ने विशेष सुविधा मुहैया करवाई है। गया जी तक नहीं पहुँचने वाले पिंडदान यानी कि श्रद्धालुओं के लिए ई पिंडदान की सुविधा मुहैया करवाई गई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पिंडदान के काल में गया जी नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे में उन्हें घर से पिंडदान करने की सुविधा दी जा रही है। कई लोग जो ऐसे भी हैं जो कि विदेश में रहते हैं और वो भी पिंडदान करना चाहते हैं, लेकिन वो गया जी आने में असमर्थ हैं। ऐसे में पिंडदान को लेकर जो है अब ये पूरी प्रक्रिया शुरू की गई है। इन लोगों को भी ध्यान में रखते हुए ई पिंडदान की शुरुआत की गई, जिसके लिए जो शुल्क का निर्धारण किया गया है वो 21,500 रुपये रखा गया है। इस पूरे खर्च में 3 जगहों का पिंडदान करवाया जाएगा। इस दौरान होने वाले पूजा भी पूरे विधि विधान के साथ किए जाएंगे। अगर आप गया जी जाकर पिंडदान करते हैं तो वहाँ आपको एक दिन में 5,000 से 10,000 रुपये तक का खर्च हो सकता है। हालांकि ये भी कहा गया है कि इस दौरान खर्च करने वाले पर भी यह निर्भर करता है कि आप कितना खर्च करेंगे। हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन की, तो बिहार सरकार की तरफ से जो वेबसाइट जारी की गई है उसमें कहा गया है कि पिंडदान gaya.bihar.gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन पिंडदान कर सकते हैं, या फिर पिंडदान से जुड़ी हुई तमाम तरह की बारे में जानकारियां जो है आप इस वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। गया जी में पितृपक्ष के बाद भी लगभग पूरे साल लोग अपने पूर्वजों को तर्पण करते हैं। कहा जाता है कि पहले गया जी में कुल पिंडदान की वेदियों की संख्या 365 थी, पर अभी जो स्थिति है उसमें मात्र 85 ऐसी वेदियाँ हैं जहाँ पर पिंडदान की प्रक्रिया की जाती है। इसमें श्री विष्णुपद, फल्गुज नदी और अक्षयवट पर विशेष महत्व है। आपको बता दें कि गया जी का पूरा रकबा 5 कोस में आता है, जो कि अगर हम किलोमीटर के हिसाब से देखेंगे तो यह 16 किलोमीटर होता है। फल्गु जी का पानी खत्म ना हो, इसको लेकर भी बिहार सरकार ने रबर डैम बनवाया है, जिससे कि श्राद्ध करने आने वालों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिहार सरकार ई पिंडदान की सुविधा मुहैया तो करवाता ही है, साथ ही साथ बिहार सरकार ने जो है पर्यटन विभाग जो है पिंडदान के बाद घूमने की भी सुविधा मुहैया करवा रहा है। इसके तहत कई तरह के पैकेज पर्यटन विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। इस टूर पैकेज में आप बोधगया, नालंदा, राजगीर और पटना भ्रमण कर सकते हैं। विभाग की तरफ से जो पैकेज है उसमें बोधगया, नालंदा, राजगीर और पटना में आप 1 रात और 2 दिन तक घूम सकते हैं। इस दौरान 1 व्यक्ति के लिए 20,000 रुपये, 2 व्यक्ति के लिए जो है 20,665 रुपये, 4 व्यक्तियों के लिए 38,720 रुपये देने होंगे। सीजन के दौरान भी विभाग इसी तरह के पैकेज लाता रहा, जिससे कि पर्यटकों को घूमने में ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। तो एक तरह से कहें बिहार सरकार का जो पर्यटन विभाग है, टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है, वह कई तरह की सुविधा मुहैया करा रहा है, खास करके बिहार में पर्यटन को डेवलपमेंट को लेकर। ऐसे में फल्गु में हो रहे पिंडदान को लेकर भी ई ऑनलाइन एक तरह से कहने की पिंडदान की सुविधा मुहैया करवा रहा है, जिससे कि आप अगर विदेश में हैं तो भी अपने पितरों का तर्पण यहां पे कर सकते हैं। तो ये थी पिंडदान से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।